आज हकीकत अब देख लिया। आप लोग आने के बाद जो पेशेंट लोग जो परेशान में है आपको देखकर उसको बहुत होपफुल हो गया जो कुछ न कुछ हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। आप क्या करना सकता है इस चीज में? देखिए मतलब मुझे दया आती है बेचारे उन मरीजों पे जिस अवस्था में वो यहाँ पे जो है पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे वो जो है एडमिट हुए हैं, बेचारे वो पड़े हुए हैं, जमीन पे पड़े हुए हैं, फर्श पे पड़े हुए हैं। और जो है मैं एक पेशेंट से मिला, चार दिन हो गए, आज तक डॉक्टर ने उसको नहीं देखा। डॉक्टर की भी गलती नहीं है, डॉक्टर कम है, डॉक्टर पूरे पर्याप्त जो है नहीं है, ऐसी अवस्था है। और मुझे लगता है पेशेंट के साथ एटलीस्ट राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज 2 अक्टूबर भी है, 2 अक्टूबर भी है गांधी जी की जयंती है, और गांधी जी हमेशा जो है साफ सफाई को बहुत प्राथमिकता देते थे। लेकिन आप स्वयं इस अस्पताल के बीच में आप मध्य में खड़े हो, आप देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितने मच्छर जो है घूम रहे हैं, और पूरा का पूरा यहाँ पे अंदर दुकानें चल रही है, अस्पताल के अंदर में दुकानें चल रही है, बाकायदा रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और जितने जो कुछ भी सामान आपको चाहिए अंदर बाजार लगा हुआ है। और मुझे लगता है देखिए ये मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, मुझे लगता है उनको ये विभाग एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए, किसी और को मंत्री बना देना चाहिए, हो सकता है वो शायद थोड़ा समय ज्यादा दे दे। और देखिए आज 2 अक्टूबर मैं कोई राजनीति करने नहीं आया था, मैं ऐसे अवस्था देखने आया था क्योंकि अभी पीछे आग लगी थी और मुझे पता चला वहां कोई फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, मैं जरा देखूं क्या है। बट मुझे दुख होता है, हमारे सिलीगुड़ी इतना बड़ा शहर है और हमारे स्वयं मंत्री इसी शहर के हैं, मुझे लगता है गौतम दा को भी आना चाहिए, अगर वो आकर के 2 घंटे बिताएंगे तो हो सकता है उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि इतनी जो है घटिया राजनीति तो मुझे लगता नहीं कोई आदमी जो है सोच सकता है। तो बहुत दुख हुआ यहाँ आकर के ये अवस्था देख करके। मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा कि हम यहाँ पे कुछ एडिशनल कर सकते हैं क्या। लेकिन देखिए केंद्र सरकार बहुत प्रोएक्टिव है, आज मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान भारत का जो है करीब 10 करोड़ लोगों को उसकी वजह से फायदा मिला, लेकिन बंगाल के अंदर में दीदी ने वो लागू नहीं होने दिया और हमारे पेशेंट बेचारे मरे जा रहे हैं, ऐसी अवस्था उनकी है। तो मतलब ये, लेकिन मैं जाकर के केंद्र सरकार से जरूर बात करूंगा कि हम अगर एम्स तरीके का अगर कोई सेंट्रल का अस्पताल जो है हम अगर इस रीजन में बना सकते हैं तो मुझे लगता है यहाँ की जनता को उसका बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसके अंदर में आसाम से भी लोग आते हैं, बिहार से भी आते हैं, पहाड़ से भी आते हैं, और आसपास के सब जगह से लोग आते हैं, भूटान के लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं, तो मुझे लगता है मालदा तक के लोग यहाँ आते हैं। और मुझे लगता है अगर यहाँ एक केंद्र सरकार का बनाया हुआ बड़ा भव्य अगर अस्पताल होगा तो मुझे लगता है हम बंगाल के साथ जो है मतलब बहुत न्याय कर पाएंगे। क्योंकि आज जो यहाँ की जो राज्य सरकार जिस अवस्था में अस्पतालों की चला रही है तो मुझे दुख होता है। आप बोला इसका पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आप आया हमको लगता है यह प्री शेड्यूल प्रोग्राम है, वेल इन्फॉर्म टू द अथॉरिटी बट वी नॉट सीइंग द एनी पर्सन ऑफ लाइक एनडीसीटी और एनी अदर्स हाई ऑफिशियल। देखिए मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि कोई मेरा प्री प्लान था नहीं, जिसने भी आपको बताया वो भी गलत बोल रहा है। मैंने तो मेरा कार्यक्रम आज जो है दिन में मुझे पहाड़ जाना था वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए जो है मैंने अचानक ये प्रोग्राम बनाया। तो बेचारे आप किसी को दोष मत दीजिए, बल्कि जो डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं मैं तो उनकी जो है उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसी अवस्था में रहकर के अगर वो मरीज का फिर भी 10-12 घंटे इलाज कर रहे हैं तो वास्तव में वो भगवान है। वैसे भी हम कहते हैं डॉक्टर भगवान समान होता है, तो वास्तव में देखिए वो भगवान है। और मैं किसी को आरोप तो नहीं लगाऊंगा और मैं कोई राजनीति भी नहीं करूंगा, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, आज राजनीति को अलग रख दीजिए। जिस अवस्था में नॉर्थ बंगाल कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, ये अवस्था में अगर हम सब नेताओं के रहते हुए अगर ऐसी अवस्था है तो ये बहुत खराब है और ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। मुझे धिक्कार है ऐसे नेताओं पे जो अपने आप को नेता कहते हैं और मरीज को ऐसे मरने के लिए छोड़ते हैं। आप बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कोशिश करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से 150 करोड़ रुपए दे गया था, अभी ये जो देखते हैं कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरा नहीं किया, तो आप क्या बताएंगे? देखिए यही तो समस्या है, केंद्र सरकार आई और 150 करोड़ रूपये दिया, उस 150 करोड़ में एक जो है खंडर बना हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, 150 करोड़ सारा खा गए। वास्तव में आज बंगाल के अंदर में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या है करप्शन की। हर जगह जो है
लोग जो है पैसे खा रहे हैं, नेता लोग पैसे खा रहे हैं, इसकी वजह से बंगाल की आज ऐसी स्थिति, या लॉ एंड ऑर्डर खराब है, करप्शन है, पुलिस की एट्रोसिटी जो है एकदम चरम पे है, तो इन सब वजह से अल्टीमेटली जो दुख पा रही है, देखो नेता लोग तो एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, वो तो दुख नहीं पाते, उनके जेब तो भरे जा रहे हैं, लेकिन जनता बेचारी जो उन नेताओं को चुन करके नेता बनाती है, उनकी अवस्था ऐसी है, और मुझे लगता है इस अवस्था को मिल करके बदलनी चाहिए, और मुझे लगता है अब जो है टीएमसी सरकार के दिन बंगाल के अंदर में पूरे हो गए। एनआरसी बाद में लागू होगा, पहले जो है बंगाल से टीएमसी साफ करे। ये मेरा आखिरी सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ का डेवलपमेंट के लिए जितना करोड़ रुपया दिया था, संकल्प किया था, इसे टोटल मिलकर आपको ऑडिट करने के लिए सेंट्रल को कोई डिमांड करेगी नहीं? देखिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई डर भी नहीं, ये चिटफंड हो शारदा नारदा सारे पैसे खा गए, बड़े बड़े स्कूल जो है बेच के खा गए, चाय बगान जो है बेच के खा गए, मतलब इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं ये स्वतंत्र है, मतलब बंगाल की टीएमसी के सरकार के नेता और मंत्री लोग ऐसे सोचते हैं कि ये अलग ही दुनिया में, और जो है इनको किसी तरह का भय नहीं है, इनको कुछ भी दे दो ये खा जाएंगे, जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए मैं केंद्र सरकार से मुझे जो करना है, जिस जिस की ऑडिट करनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये विषय आप बता रहे हो मैं फिर रख दूंगा, लेकिन इनको कोई भय और डर नहीं, ये वास्तविकता है। सबसे बड़ा बात है कि राजनीति चल रहा है, ऐसा सोच रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है मरीजों के साथ भी बंगाल में राजनीति हो रही है, क्योंकि देखिए राजनीति पॉलिटिकल पार्टी है, करनी ही चाहिए उसको, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक तो आयुष्मान भारत लागू न करके ये साफ दिखता है कि हम जो है अपने मरीजों के साथ, अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और दूसरा मरीज की ऐसी अवस्था है अस्पताल के अंदर में, फिर भी हम करप्शन और घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हैं और मरीज की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बंगाल के अंदर में अस्पताल में भी पूरी तरह से राजनीति चल रही है। और देखिए ये सब कहकर मैं खुश नहीं हूँ, मैं फिर बताना, मुझे दुख है, मुझे ऐसी अवस्था जो है आज देखनी पड़ी, और मैं स्वयं भी नेता बना हूं, हालांकि 4 ही महीने हो गए, पर फिर भी मुझे दुख है कि मेरे सांसद रहते हुए मेरे क्षेत्र के अंदर में अस्पताल की ऐसी अवस्था है। मैं कोशिश करूंगा राज्य सरकार से, ममता दीदी से भी जो है मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, मैं चाहूंगा कि बेचारी वो भी आए, मुझे लगता है अगर वो आकर के खुद देखेंगी ना तो कुछ सुधार, मुझे लगता है वो उनकी भी इच्छा जगेगी कि हाँ यहाँ वास्तव में हालत बहुत खराब है। मैं अपेक्षा नहीं रखता, बट फिर भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ, दीदी प्लीज आइए और एक बार अस्पताल की अवस्था दीजिए, क्योंकि आप जो है खुद एक माँ हो, मातृशक्ति हो, और मुझे लगता है आप जो है यहाँ की मरीजों की अवस्था जो है आप कुछ तो जरूर समझेंगे, और मुझे लगता है सब नेताओं को आना चाहिए और इसको प्लीज ठीक करने के लिए हमको काम करना चाहिए। उनसे मिलूंगी, हालचाल पूछूं, लेकिन मुझे दुख होता है, देखिए आज के दिन मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, वास्तव में मुझे दुख होता है, मन करता है रोने को, क्योंकि ऐसी अवस्था अस्पताल की तो नहीं हो सकती। आप देखिए ना इतना कूड़ा पड़ा हुआ अस्पताल के अंदर में, मतलब नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां पे जो है आसाम बिहार से लेकर के पूरे नॉर्थ बंगाल के लोग जो है अपने इलाज कराने के लिए इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद हम यहां आकर के अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में हम ठीक हो, लेकिन मुझे यहां आकर के दुख होता हुआ होता है ये कहते हुए कि यहां आके मरीज ठीक नहीं हो सकता, जो अच्छा आदमी है अगर कोई यहां पे आके 2 घंटा रह ले तो उसका बीमार होना तय है, क्योंकि चारों तरफ कूड़ा बिछा हुआ है, बेड के अंदर में जो है एक बेड में 2-2 मरीज हैं, और ऐसी अवस्था है कि नीचे जमीन पे चटाई बिछा के सारे मरीज जो अपने इलाज करा रहे हैं, और मुझे हैरानी होती है कि सिलीगुड़ी जिस शहर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे टीएमसी के नेता वो एक खुद स्वयं एक मंत्री भी हैं, और एक मंत्री उसी शहर के होते हुए भी अस्पताल की ऐसी अवस्था है, और दूसरा मैं हैरान हूँ हमारी चीफ मिनिस्टर जी, वो स्वयं जो है हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, अगर उनके हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए भी अगर अस्पताल की ये अवस्था है, तो देखिए आज मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो है सबसे निकम्मी जो है सरकार बंगाल के अंदर में आज राज कर रही है,
और जो है मैं तो कहता हूँ ममता दीदी को ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ये किसी दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास शायद थोड़ा समय ज्यादा हो। मतलब राजनीति की दृष्टि से मत देखिए आप, बेचारे यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनकी अवस्था को आप समझिए। और मुझे लगता है अभी हम सबको बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे, सिलीगुड़ी में रोड बाद में चौड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट बाद में बन जाएगा, बाकी डेवलपमेंट बाद में हो जाएगी, लेकिन हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर मेरी भी कोई आवश्यकता है मैं तैयार हूँ आ करके, हमको यहाँ पे साफ सफाई करनी चाहिए और जो है इसके अंदर में अच्छी से अच्छी व्यवस्था हमने मरीजों को करनी चाहिए। इतने बड़े अस्पताल के अंदर में 4 साल से एक सीटी स्कैन मशीन खराब है और 4 साल से ठीक नहीं हुआ। केंद्र सरकार जेपी नड्डा जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे वो स्वयं मंत्री जी आकर के 150 करोड़ रुपए सेंक्शन करके गए, वो 150 करोड़ रुपए सब खा गए। 150 करोड़ से आज तक 1 रुपए का काम जो है इस नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं हुआ। तो वास्तव में ये हमारे लिए धिक्कार है। और टीएमसी को तो है, हम जैसे नेता जो नेता बन करके घूमते हैं, अगर हमारे रहते हुए भी अगर अस्पताल की ऐसी अवस्था है तो मुझे दुख है इस बात का। और आज मुझे शर्म आती है स्वयं को यहाँ का सांसद कहते हुए, क्योंकि ऐसी अवस्था अस्पताल की मैंने तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं कहा। जितना गरीब से गरीब प्रदेश हो उसके अंदर में भी ऐसी अवस्था आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन डॉक्टरों को, जो डॉक्टर नर्सेस आकर के बेचारी 10 घंटे 12 घंटे खड़े हो करके मरीजों के ऐसी अवस्था में जो है इलाज कराती है, वो धन्य है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। मैं तो आए हुए 1 घंटे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्वयं बीमार हो जाऊंगा। और देखिए अब समय आ गया, हम सब जुट के काम करें। जितने भी एनजीओ हैं, मैं लायंस क्लब से लेकर के हर एक एनजीओ को निवेदन करता हूँ, आइए सफाई करिए, कहीं मत करिए, पहले नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को साफ करिए। इसी तरह जितने भी और संघ संस्थाएं हैं आइए प्लीज कंट्रीब्यूट करिए। हमारी अपने लोगों की अवस्था बहुत दयनीय है, अगर हम यहाँ आकर के साफ सफाई करेंगे तो हो सकता है सैकड़ों मरीजों की जो है जान बच सकती है। और उन डॉक्टरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी अवस्था में बेचारे वो इलाज करा रहे हैं। देखिए सारा दोष जो है टीएमसी सरकार के ऊपर में जाता है। और जो है ऐसी अवस्था अस्पताल की जो है कहीं भी या देखने को ना पड़े बस। और इसके लिए मैं अपनी तरफ से जो मुझे करना होगा मैं प्रयास करूंगा। मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा कि यहाँ पे हम एडिशनल अगर कुछ कर सकते हैं केंद्र की तरफ से, तो प्लीज मैं मोदी जी को भी कहूंगा कि जो है हमें सिलीगुड़ी के लिए, बंगाल के लिए देखिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो अवस्था आज देखने को मिल रही है, आप स्वयं रिपोर्टर हो, आपने सारी जो है तस्वीरें ली हैं, मतलब ऐसी अवस्था अस्पताल की तो नहीं हो सकती।